अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए खुद योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो इसे लेकर कई सख्त निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ को व्यवस्थित करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दर्शन व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाई सर्वे भी किया, तो रामलला की दर्शन व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है भारत रत्न से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया और इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी करके ये जानकारी दी गई। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इससे पहले और मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। पिछड़ों के बड़े नेता और बिहार के दो बार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने उनकी 100वीं जयंती पर पूर्व संध्या पर भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस पर खुशी जताई है। आपको बताएं, जननायक के तौर पर जाने जाते थे ये बड़ी अपडेट भारत रत्न से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने तय किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा और इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान भी जारी करके जानकारी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इससे पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है बल्कि इससे समाज में समरसता को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मांगने की कोशिश की तो भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। मैं वाला उसके लिए माफी मांगता हूं, इसके बाद ये सब नहीं होगा। इस दौरान प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़ गए कि जब तक वो लड़का जय श्री राम नहीं बोलता उसे वहां से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस वालों ने उस लड़के से पुलिस वैन के माइक पर ही जय श्री राम बुलवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। उधर आम लोगों के लिए खुलते ही राम मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ आई। पहले ही दिन अयोध्या में लाखों लोगों ने दर्शन किए। दर्शन के लिए रात के 3 बजे से ही राम मंदिर के मेन गेट पर लंबी लाइन लग गई। पुराण प्रतिष्ठा के अगले दिन आम लोगों के लिए राम मंदिर के कपाट सुबह 7 बजे खुले और रामलला के पहले दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ आई। पहले ही दिन मंदिर में लाखों लोगों ने दर्शन किए। इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों को संभालने में प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सुबह सुबह ही सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर जाने की कोशिश में धक्का मुक्की भी हुई। समंदर की लहरों की तरह दिख रहे राम भक्त अंदर जाने की कोशिश करने लगे और पुलिस वाले उन्हें रोकने और समझाने में जुट गए। एक तस्वीर में दिखा कि भीड़ में फंसे एक शख्स को तो सुरक्षा कर्मी खुद बचाकर बाहर लाया। पानी है। मंदिर के चेकिंग सेंटर पर तो और ज्यादा भीड़ थी। वहां लोग पुलिस की बांधी रस्सी को पार करते हुए मंदिर के गेट की ओर बढ़े और पुलिस वालों ने रस्सी पकड़कर भीड़ को रोकने की कोशिश जारी।